सवाल है कि ईरान में हिजाब को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका क्या होगा? क्या ईरान की इस्लामिक पुलिस को बैन कर देने के बाद हिजाब के खिलाफ जंग खत्म हो जाएगी, या अभी ईरान की क्रांतिकारी वाहिनी हिजाब को लेकर इब्राहिम रईसी सरकार के फैसले का इंतजार करेगी? ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट इसी साल 16 सितंबर से शुरू हुआ। इस दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 18,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। 3 महीने के विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन क्या रईसी सरकार हिजाब की अनिवार्यता खत्म कर देगी या कानून में कोई बदलाव करेगी? हालांकि इसके संकेत भी ईरान सरकार ने दे दिए हैं, लेकिन ये कब तक होगा इस पर फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्या अब ईरान में हिजाब भी खत्म होने वाला है? क्या ईरान में अब हिजाब बीते दिनों की बात हो जाएगी? क्या हिजाब के कड़े कानूनों में बदलाव होगा? नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजती रही। कई सड़कों पर काला हिजाब लहराया गया, तो कहीं रईसी सरकार और उसकी धार्मिक पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए। बरसों से हिजाब में ढके चेहरे हर दिन घुटन महसूस कर रहे थे, फिर कुछ साहसी लड़कियों ने कट्टरता की बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस लेने की ठान ली, अपने सिर से हिजाब उतार फेंका। यहाँ तक कि कई महिलाओं ने सरेआम अपने लंबे बाल काट लिए। ईरान में सरकार और पुलिस के विरोध के साथ पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचाने के लिए ईरानी महिलाओं ने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। यही नहीं, हिजाब विरोधी प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने ईरान में कुछ मुस्लिम मौलवियों के सिर से पगड़ी तक उतार दी थी। इसे लेकर काफी बवाल हुआ। बाकी महिलाओं को ईरान सरकार के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं। ये सब इसलिए ताकि उन पर थोपा गया एक काला कानून हमेशा के लिए ईरान से खत्म कर दिया जाए। अब ईरान की महिलाओं के जहन से डर निकल चुका है, सरकार को खुली चुनौती दी जा रही है। ईरान का ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ महसा अमीनी की मौत का नतीजा नहीं था, बल्कि कई वर्षों से उनके मन में दबी एक टीस को विरोध की चिंगारी में बदल कर खाक कर देने का इरादा था। हिजाब के खिलाफ ईरान में विरोध पहले भी हुए, लेकिन मजहब और कानून का डर दिखाकर महिलाओं की आवाज को दबा दिया गया। ईरान में कई सालों तक महिलाओं को हिजाब जबरदस्ती पहनाया गया। कानून के साथ महिलाओं को डराने के लिए कैमरे और पहचान पत्र तक का इस्तेमाल किया गया। एक वक्त था जब पश्चिमी देशों की तरह ईरान में भी महिलाएं आजादी के माहौल में जीती थी, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजशाही को उखाड़ फेंका। आयतुल्लाह खोमेनी ने गद्दी संभाली और सबसे पहले शरिया कानून को लागू किया। अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। ईरान में 9 साल से ऊपर की हर महिला के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ तक कि ईरान में आने वाले पर्यटकों को भी इस नियम का पालन करना जरूरी बना दिया गया। ईरान के धार्मिक पुलिस यानी गश्त इरशाद को अमेरिका ने 23 सितंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तब अमेरिका ने धार्मिक पुलिस को ही महसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक
साल 1979 की क्रांति के बाद से ईरान में धार्मिक पुलिस कई रूपों में मौजूद रही। इनके अधिकार क्षेत्र में महिलाओं के हिजाब से लेकर पुरुषों और औरतों को आपस में घुलने मिलने का मुद्दा शामिल रहा, लेकिन भारी विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान सरकार ने न सिर्फ धार्मिक पुलिस को खत्म करने का फैसला लिया बल्कि रईसी सरकार दशकों पुराने हिजाब कानून को भी बदलने पर विचार कर रही है। यानी अगर ईरान सरकार ने हिजाब कानून को खत्म करने का फैसला ले लिया तो हिजाब पहनना महिलाओं की मर्जी पर निर्भर रहेगा, मतलब उनकी मर्जी है तो वो पहनेंगी और अगर मर्जी नहीं तो नहीं पहनेंगी, तब ईरान की पुलिस हिजाब मामले में दखल ही नहीं देगी। ईरान की महिलाओं को भी हिजाब को लेकर सरकार के औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा कि ईरान सरकार ने धार्मिक पुलिस के मुद्दे पर भले ही सरेंडर कर दिया लेकिन हिजाब का कानून जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।